हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज फाइनली हमारे पास आ चुका है सैमसंग का गैलेक्सी M31, जिसकी बहुत सारे लोगों को वेट थी। और आज इस फोन पर हम करने वाले हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो। मतलब मैं आपको बताऊंगा कि इस फोन में कौन कौन से आपको बहुत अच्छे फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं, जिनको यूज करके आप इस फोन को बड़े ही अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। 40 से ज्यादा फीचर्स की बात करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, और जो भी फीचर सबसे अच्छा लगे मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ताकि सब लोगों को पता चले कि कौन कौन से बेस्ट फीचर्स इस फोन में आपको देखने के लिए मिलते हैं। जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले फीचर की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि क्योंकि इस फोन में आपको सैमसंग का एमोलेड पैनल देखने के लिए मिलता है, मतलब कि सुपर एमोलेड पैनल देखने के लिए मिलता है, इसी वजह से इस फोन में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपको यहां पर स्टेटस बार में देखने के लिए मिल जाएगा। यहां से आप इसे एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, और इसको अगर आप लॉन्ग टैप करते हैं तो इसकी सेटिंग्स आप काफी सारी चेंज कर सकते हैं। अब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले क्या है मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप इसके अंदर जाकर इसको शो ऑन ऑलवेज पर सेट कर देते हैं, और अगर आप लॉक स्क्रीन पर हैं तो आपको हर टाइम एक ऐसा क्लॉक जो है वो लॉक स्क्रीन पर देखने के लिए मिलता है, जो कि स्क्रीन ऑफ पर भी आपको दिखेगा। इसको आप काफी ज्यादा कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जिसके बारे में वीडियो में आगे चल के भी मैं बताऊंगा। और यहां पर आप म्यूजिक इंफॉर्मेशन शो करना चाहते हैं या नहीं, या फिर कब कब इसको आप शो करना चाहते हैं, वो सारी चीजें भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा फीचर यहां पर दोस्तों ऑलरेडी मैं यूज कर रहा हूं इस फोन में, जो कि है डार्क मोड का। अगर आप देखेंगे इस फोन में जो डार्क मोड है वो बहुत ही बड़ा फीचर है, क्योंकि सैमसंग के एमोलेड पैनल्स के साथ जो डार्क मोड आपको देखने के लिए मिलता है वो बहुत ही अच्छे से काम करता है। अगर आप यहां पर देखेंगे ब्लैक्स जो है वो बहुत ही डार्क आपको देखने के लिए मिलते हैं, और ऐसा बिल्कुल भी लगता ही नहीं है कि कोई कलर भी है यहां पर। बिल्कुल ऐसा जो साइड का ब्लैक कलर है फोन का उसी के साथ ही मैच हो जाता है। तो मेरे को डार्क मोड सैमसंग के फोन्स में बहुत अच्छा लगता है, अगर सुपर एमोलेड पैनल है, और डार्क मोड को आप यहां से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। इस फोन में स्टेटस बार में आपको फोकस मोड भी देखने के लिए मिल जाता है। यहां पर स्टेटस बार में अगर आप इस तरीके से जाएंगे तो यहां पर है फोकस मोड, और इसको सेलेक्ट करने के बाद आप वर्क टाइम या मी टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस पर्पस के लिए आपको फोकस मोड चाहिए। और इसको अगर आप अनेबल करेंगे तो अगेन आपको मैसेजेस वगैरह से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, किसी ऐप की डिस्टर्बेंस नहीं होगी, सिर्फ कॉल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगी, ताकि आपका ध्यान जो है वो इधर उधर ना जाए और आप जो भी काम कर रहे हैं उस पर फोकस कर पाएं। इस फोन में आपको पॉपअप विंडोज का एक बड़ा अच्छा फीचर देखने के लिए मिलता है। कोई भी विंडो अगर आप ओपन करते हैं, मान लीजिए मैं मैसेजेस में जाता हूं, इसके बाद आप प्रीसेट्स पे जाते हैं, तो यहां पर मैसेजेस के आइकन पर क्लिक करके आप यहां पर ओपन इन पॉपअप विंडो पर सेलेक्ट कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं पॉपअप विंडो एक ओपन हो जाता है, जिसको आप रिसाइज भी कर सकते हैं। और इस तरह से आप काफी सारी पॉपअप विंडोज एक साथ ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैं प्ले स्टोर ओपन कर देता हूं, अगेन मैं रिसेंट्स में जाके प्ले स्टोर के आइकन पर क्लिक करके ओपन इन पॉपअप व्यू को सेलेक्ट करता हूं, और आप देख सकते हैं यहां पर दो एप्लीकेशन एक साथ पॉपअप विंडो में ओपन हो चुकी है। अगर आप पावर की को लॉन्ग प्रेस करते हैं तो यहां पर पावर मेनू के साथ आपको यहां पर एक साइड की सेटिंग्स का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। इसको अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आप डबल प्रेस के लिए कोई एक्शन असाइन कर सकते हैं, मतलब क्विकली आप कैमरा को लॉन्च कर सकते हैं, या फिर किसी ऐप को अगर आप ओपन करना चाहते हैं वो भी आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। इस फोन में अगर आप वोल्टी इनेबल सिम यूज करेंगे तो आपको वीडियो कॉलिंग और वाईफाई कॉलिंग जैसे फीचर्स भी देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप कोई भी रैंडम नंबर डायल करेंगे, जो कि हो सकता है आपके फोन में सेव्ड ना भी हो, आपको डायरेक्टली यहां पर वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। उसी के साथ अगर आप यहां पर स्टेटस बार में जाएंगे तो यहां पर आपको वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, जिसको अगेन आप इनेबल या डिसेबल यहां से कर सकते हैं। इस फोन में आपको ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है। अगर आप डायलर में हैं तो आपको 3 डॉट्स पर क्लिक करके यहां पर सेटिंग्स के अंदर जाना है। सेटिंग्स के अंदर रिकॉर्डिंग कॉल्स के अंदर आपको ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, जिसको आप इनेबल कर सकते हैं अगर आप सारी कॉल्स को जो है वो रिकॉर्ड करना चाहते हैं। स्टेटस बार में आपको यहां पर एक स्मार्ट व्यू नाम से भी ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, जिसका मतलब है कि आप अपने फोन की डिस्प्ले को किसी और डिवाइस पर कास्ट कर सकते हैं, या फिर किसी और डिवाइस को अगर आप इस फोन पर कास्ट करना चाहते हैं वो भी आप यहां पर कर सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि इस फोन के बॉक्स में आपको कोई स्क्रीन प्रोटेक्टर देखने के लिए नहीं मिलता, अगर आप कोई ग्लास या कवर खरीदना चाहते हैं तो आप ग्लेस्ड इंक की वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हैं। काफी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, मैंने खुद इन प्रोडक्ट्स को यूज किया है। ग्लासेस और कवर्स की क्वालिटी काफी अच्छी रहती है, और इवन जो कटआउट्स रहते हैं दोनों ही चीजों के लिए वो काफी परफेक्ट रहते हैं। और इनकी वेबसाइट पर अगर आप कोड टेक आरजे यूज करेंगे तो आप 10% तक का डिस्काउंट भी दे सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं टेक आरजे कोड यूज करने के बाद 10% डिस्काउंट आपको मिल चुका है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया है, अभी जाकर आप अपने फोन के लिए ग्लास और कवर्स खरीद सकते हैं। इस फोन में आपको ग्लोबल सर्च का फीचर भी देखने के लिए मिलता है। अगर आप होम से इस तरीके से स्वाइप करते हैं नीचे की तरफ तो यहां पर आपको डायरेक्टली सर्च करने का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। और यहां पर अगर आप सर्च परफॉर्म करते हैं, आप एप्स में, सेटिंग्स में, या फाइल मैनेजर में, कॉन्टैक्ट्स में, मैसेजेस में, कहीं भी आप सर्च परफॉर्म करना चाहते हैं सिर्फ यहां पर टाइप करके आप कर सकते हैं। इवन ऑनलाइन सर्च अगर आप परफॉर्म करना चाहते हैं वो भी आप यहीं से कर सकते हैं। उसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि ऐसे नीचे की तरफ स्वाइप करने पर नोटिफिकेशन पैनल नीचे आए तो यहां पर लॉन्ग टैप आपको करना है होम स्क्रीन पर, होम स्क्रीन सेटिंग्स के अंदर जाना है, और यहां पर स्वाइप डाउन फॉर नोटिफिकेशन पैनल को एनेबल कर देना है। इसके बाद अगर
अगर आप स्वाइप करेंगे तो ग्लोबल सर्च का फीचर चला जाएगा। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशंस पैनल आप कंट्रोल कर पाएंगे और ग्लोबल सर्च के फीचर को यूज करने के लिए यहाँ पर आपको सर्च के आइकन को क्लिक करना होगा। अगर आप नोटिस करेंगे दोस्तों, जब आप पहली बार इस तरह से नीचे स्वाइप करते हैं नोटिफिकेशंस पैनल को, तो यहाँ पर आपको ब्राइटनेस बार देखने के लिए नहीं मिलता। जब आप दूसरी बार स्वाइप करते हैं तब आपको ब्राइटनेस बार देखने के लिए मिलता है। इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर थ्री डॉट्स पर क्लिक करके आपको क्विक पैनल लेआउट में जाना है और शो ब्राइटनेस ऑन टॉप पर सेट कर देना है। अब जब आप पहली बार स्वाइप करेंगे तभी आपको ये जो ब्राइटनेस बार है दिखना शुरू हो जाएगा। उसी के साथ दोस्तों, अगर आप होम में देखेंगे यहाँ पर आपको बैटरी परसेंटेज शो नहीं करता, जब आप नोटिफिकेशन पैनल को नीचे करते हैं तब वो शो करता है। अगेन अगर आप थ्री डॉट्स में क्लिक करके स्टेटस बार में जाते हैं तो यहाँ पर आपको शो बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। इसको अगर आप एनेबल करेंगे तो आप देख पाएंगे किसी भी स्क्रीन पर आपको हमेशा स्टेटस बार में बैटरी परसेंटेज जो है वो शो करता रहेगा। सेटिंग्स के अंदर अगर आप चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक सेपरेट ऐप साउंड का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है साउंड्स एंड वाइब्रेशन के अंदर। अगर आप चाहते हैं किसी एक ऐप की साउंड को आप किसी एक डिवाइस में प्ले कर पाएं, बाकी की साउंड आपके फोन में या किसी और डिवाइस में प्ले होती रहे, तो आप सेपरेट ऐप साउंड के फीचर को यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग फीचर मुझे लगा। साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर यहाँ पर साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट्स के अंदर आपको डॉल्बी एटमॉस का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है, जो कि अनेबल तब होगा जब आप वायर्ड हेडफोन्स यूज कर रहे होंगे। और बेसिकली अगर आप वायर्ड हेडफोन्स को यूज कर रहे हैं और आप डॉल्बी एटमॉस का जो है वो एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, अपने हेडफोन्स की साउंड को और भी एनहांस करना चाहते हैं, तो आप इस फीचर को अनेबल कर सकते हैं। उसी के साथ इक्वलाइजर में आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप अपने साउंड के एक्सपीरियंस को थोड़ा कस्टमाइज करना चाहते हैं। सेटिंग्स के अंदर अगर आप डिस्प्ले के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आपको ब्लू लाइट फिल्टर का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है। डार्क मोड में इसका आपको ज्यादा पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आपकी स्क्रीन का कलर व्हाइट है उस टाइम पर आप काफी ज्यादा नोटिस कर पाएंगे कि जो ब्लूइश टिंट है वो काफी कम हो जाएगा अगर आप इस ब्लू लाइट फिल्टर को इनेबल करते हैं। और उसको आप बढ़ा भी सकते हैं अगर आप इसके अंदर जाएंगे। इसकी ओपेसिटी आप मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना ब्लू लाइट फिल्टर आपको यूज करना है। तो बेसिकली अगर आप रीडिंग कर रहे हैं या रात के टाइम फोन को बहुत यूज कर रहे हैं तो इस ऑप्शन को आप यूज कर सकते हैं। इस फोन में आप फॉन्ट साइज को या स्टाइल को अगर आप चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स आप अपने फोन में यूज कर सकते हैं। दो तीन ऑप्शंस आपके पास यहां पर हैं और डाउनलोड आप कर सकते हैं। उसी के साथ अगर आप साइज को बढ़ाना या घटाना चाहते हैं वो भी आप यहां पर कर सकते हैं। डिस्प्ले के अंदर अगर आप थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो यहां पर आपको नेविगेशन बार का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर आप फुल स्क्रीन जेस्चर्स को यूज कर सकते हैं। इनको अगेन अगर आप अनेबल करते हैं तो आपके जो नीचे वाले बटन्स हैं वो गायब हो जाएंगे। उसके बाद इस तरीके से आप फोन को यूज कर पाएंगे। सिंगल स्वाइप अगर आप करते हैं तो होम स्क्रीन में जा सकते हैं, स्वाइप करके होल्ड करते हैं तो आप रिसेंट्स में जा सकते हैं, और इस तरफ से या फिर इस तरफ से स्वाइप करके आप बैकअप बटन को यूज कर सकते हैं। इस फोन में आपको डिस्प्ले के अंदर टच सेंसिटिविटी का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है अगर आप कोई स्क्रीन गार्ड या स्क्रीन प्रोटेक्टर वगैरह यूज कर रहे हैं। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपकी टच की सेंसिटिविटी अब थोड़ी सी कम हो चुकी है, थोड़ा इफेक्ट हो चुका है, तो आप यहां से टच सेंसिटिविटी को इनेबल करके सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं और जो भी आपको उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है उसको आप खत्म कर सकते हैं। सेटिंग्स के अंदर यहां पर आपको थीम्स का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर से आप काफी सारी थीम्स डाउनलोड कर पाएंगे। कुछ आपको यहां पर पेड थीम्स भी देखने के लिए मिलेंगी, उसी के साथ वॉलपेपर्स भी हैं, आइकन्स भी हैं अगर आप डिफरेंट डिफरेंट आइकन पैक्स यूज करना चाहते हैं। ये सब चीजें आप थीम्स के अंदर से डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ फ्री में कुछ पेड हैं। उसी के साथ यहां पर अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यूज कर रहे हैं तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी आप काफी सारे यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट जीआईएफ्स या फोटोज के रूप में आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑलवेज ऑन डिस्प्लेस देखने के लिए मिलेंगे। अगेन यहां पर काफी सारे पेड हैं और नीचे अगर आप चले जाएंगे तो कुछ फ्री भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप डिफॉल्ट मोड में देखेंगे तो आपको लॉक स्क्रीन पर एक ऐसा वीडियो वाला वॉलपेपर देखने के लिए मिलता है। अब अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं और डायनेमिक वॉलपेपर सेट करना चाहते हैं, मतलब डायनेमिक का मतलब है कि अपने आप वॉलपेपर जो है वो चेंज होते रहें, तो आपको सेटिंग्स के अंदर लॉक स्क्रीन के अंदर जाना है और यहां पर वॉलपेपर सर्विसेज के अंदर डायनेमिक लॉक स्क्रीन को इनेबल कर देना है। इसको अगर आप इनेबल करेंगे तो आपको कैटेगरी से पूछेगा कि कौन कौन सी कैटेगरीज चाहिए, उनके लिए वॉलपेपर डाउनलोड करेगा। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट वॉलपेपर्स आपको हर बार अपनी लॉक स्क्रीन पर देखने के लिए मिलते रहेंगे। उसी के साथ दोस्तों यहां पर आपको एक लॉक स्टाइल का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है। यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और लॉक स्क्रीन दोनों के लिए कैसा क्लोक स्टाइल आपको चाहिए। बहुत ही अमेजिंग और बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्लोक स्टाइल्स आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। जैसे आपको अगर मैं दिखाऊं तो ये वाला क्लोक आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि काफी डिफरेंट है, और उसी के साथ आप इनके लिए कलर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको व्हाइट की जगह कोई डिफरेंट ऐसे कलर्स चाहिए क्लोक में, वो भी चीज आप यहां से कर सकते हैं। तो काफी अच्छे से आप क्लोक स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हैं। उसी के साथ यहां पर आपको फेस विजेट्स का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। तो बेसिकली जब आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर हैं या फिर लॉक स्क्रीन पर हैं तो आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन वो शो करता है वो यहां पर आप फेस विजेट्स की मदद से सेलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली म्यूजिक शेड्यूल आपका या फिर अलार्म आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि वहां पर आपको दिखे, और वेदर इंफॉर्मेशन अगर आप देखना चाहते हैं। सेटिंग्स के अंदर अगर आप बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी के अंदर जाते हैं तो बायोमेट्रिक प्रेफरेंस के अंदर आपको स्क्रीन ट्रांजिशन इफेक्ट का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। इसको अगर आप एनेबल रखेंगे दोस्तों, और इसके बाद अगर आप फेस अनलॉक से फोन को अनलॉक करेंगे
तो आपको एक डिफरेंट थोड़ा ट्रांजिशन इफेक्ट अपने फोन में देखने के लिए मिलेगा, जो कि काफी अच्छा दिखता है। अगेन आप इसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। सेटिंग्स के अंदर अगर आप एडवांस्ड फीचर्स के अंदर जाते हैं, तो यहां पर आपको एक स्मार्ट पॉपअप व्यू का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। अब पॉपअप विंडो के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया। अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही आपके फोन पर कोई नोटिफिकेशन आए और उस ऐप के लिए अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली वो पॉपअप विंडो में ओपन हो जाए, तो उसके लिए आपको स्मार्ट पॉपअप व्यू में उस एप्लीकेशन को यहां से इनेबल कर देना होगा। इस फोन में अगर आप स्क्रीनशॉट कैप्चर करते हैं तो आपको एक टूल बार देखने के लिए मिलता है, जो कि हर बार आएगा अगर आप स्क्रीनशॉट को एडिट करना चाहते हैं या फिर लॉन्ग स्क्रीनशॉट कैप्चर करना चाहते हैं। अगर आपको ये टूल बार अच्छा नहीं लगता तो आपको एडवांस्ड फीचर्स के अंदर स्क्रीनशॉट्स के अंदर इस टूल बार को डिसेबल कर देना है। इसके बाद जब भी आप स्क्रीनशॉट कैप्चर करेंगे कुछ भी डिस्टर्बेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, सिर्फ एक स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा और उसके बाद आप फोन को नॉर्मली यूज कर पाएंगे। उसी के साथ जैसे कि मैंने आपको बताया, उस टूल बार को अगर आप एनेबल रखते हैं तो आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी इस फोन में कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप मैं स्क्रीनशॉट लेता हूं और टूल बार को एनेबल रखता हूं, तो यहां पर ये वाला आइकन आपको प्रेस करना है, और अगर आप चाहें तो इसको और भी ज्यादा स्क्रॉल कर सकते हैं इस आइकन को दोबारा प्रेस करके। सेटिंग्स के अंदर एडवांस्ड फीचर्स के अंदर यहां पर आपको एक मोशन एंड जेस्चर का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर बहुत सारे जेस्चर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे और हर जेस्चर कैसे काम करता है उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी और आप देख पाएंगे कि उस जेस्चर का क्या मतलब है। यहां पर एक स्मार्ट स्टे का ऑप्शन है, जिसको अगर आप अनेबल करेंगे तो फोन तब तक अवेक रहेगा, मतलब कि स्लीप नहीं करेगा जब तक आप फोन को अपनी आंखों से देख रहे हैं। उसी के साथ इस तरीके से अगर आप पाम से स्वाइप करते हैं तो आप स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं। एडवांस्ड फीचर्स के अंदर यहां पर आपको वन हैंडेड मोड भी देखने के लिए मिलता है, जिसको अगर आप अनेबल करेंगे तो आप जेस्चर या बटन बेस्ड तरीके से इसको अनेबल कर सकते हैं। डबल क्लिक करके अगर आप बटन सेलेक्ट करते हैं तो इसको यूज कर पाएंगे। इसके साइज को आप चेंज कर सकते हैं वन हैंडेड मोड के, और उसी के साथ अगर आपको एग्जिट करना है तो यहां पर क्लिक करके एग्जिट कर सकते हैं। एडवांस्ड फीचर्स के अंदर ही यहां पर आपको एक गेम लॉन्चर का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है, जिसको अगर आप यहां से अनेबल करेंगे तो इसको यूज करने के लिए आपको ऐप ड्रॉअर में यहां पर गेम लॉन्चर पर जाना होगा, और यहां पर अगेन आपको पता है कि आपको गेम्स को यहां पर ऐड करना होगा, और जैसे ही आप उस गेम को प्ले करेंगे तो गेम लॉन्चर ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा और आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस को थोड़ा एनहांस करने की कोशिश करेगा। उसी के साथ यहां पर आपको डुअल मैसेंजर का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। बेसिकली जो भी सोशल मीडिया की एप्लीकेशंस हैं, अगर आप उनमें दो अकाउंट्स यूज करना चाहते हैं तो उनको आप डुअल ऐप क्रिएट कर सकते हैं। दो ऐप्स आपको देखने के लिए मिलेंगे और दोनों में अलग अलग अकाउंट्स अगर आप यूज करना चाहें तो कर पाएंगे। इस फोन में आपको एंटीवायरस प्रोटेक्शन भी देखने के लिए मिलती है, जो कि मैकेफी की तरफ से आती है। अगर आप सेटिंग्स के अंदर यहां पर डिवाइस केयर के अंदर जाते हैं तो यहां पर आपको जाना है सिक्योरिटी के अंदर, और यहां से आपको इसको एक्टिवेट कर देना है। अगर आप इसको एक्टिवेट करेंगे तो मैकेफी एंटीवायरस आपका एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैकेफी जो है वो कोरोना वायरस को डिटेक्ट नहीं कर सकता, तो उससे आपको खुद सेफ रहना होगा। तो ये तो हुई मजाक की बात। इसके बाद अगर आप एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाएंगे, एडवांस सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, तो यहां पर आपको साइड एंड वॉल्यूम अप कीज का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। इसको अगर आप एनेबल करते हैं तो आप कोई एक्शन को एनेबल कर सकते हैं, जो कि डायरेक्टली पावर की और वॉल्यूम अप की को प्रेस करके आप एनेबल कर पाएंगे। तो बेसिकली एक शॉर्टकट तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, और अनेबल करने के बाद आप देख सकते हैं काफी सारी ऑप्शंस हैं जो कि आप यहां पर यूज कर सकते हैं। इस फोन में आपको फ्लैश नोटिफिकेशंस का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है, मतलब कि जैसे ही आपके फोन पर कोई नोटिफिकेशन आएगी तो इस तरीके से कैमरा फ्लैश जो है वो अनेबल कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन फ्लैश भी आप अनेबल कर सकते हैं इस तरीके से। जल्दी से अगर हम कैमरा ऐप के अंदर चलें तो कैमरा के अंदर भी आपको यहां पर काफी अच्छे फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। पहली चीज, अगर आप यहां पर लाइव फोकस मोड को यूज करके कोई फोटो क्लिक कर सकते हैं तो उसको आप बाद में काफी अच्छे से एडिट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, ये फोटो जो है वो मैंने लाइव फोकस मोड में कैप्चर किया है। तो यहां पर आपको चेंज बैकग्राउंड इफेक्ट के अंदर जाना है, और यहां से आप ब्लर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना ब्लर आपको बैकग्राउंड में चाहिए, तो काफी अच्छी डिटेल्स जो है वो फोटो में कैप्चर होती हैं। उसी के साथ ब्लर लेवल को कंट्रोल करने के साथ आप ब्लर को चेंज भी कर सकते हैं। आप स्पिन वाला इफेक्ट यूज कर सकते हैं बैकग्राउंड के लिए, या फिर आप यहां पर जूम वाला इफेक्ट यूज कर सकते हैं, जो कि इस तरीके से बाहर की तरफ जूम आउट हो जाएगा। उसी के साथ अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट और इसको कलर्स चेंज करना चाहते हैं बैकग्राउंड के, सिर्फ वो भी चीज आप यहां पर से कर सकते हैं, जो कि मेरे को बहुत अच्छी लगती है ऑप्शन, और ब्लैक एंड व्हाइट वाला ऑप्शन मेरे को बेस्ट लगता है। उसी के साथ दोस्तों, अगर आप फोटोज ब्राउज कर रहे हैं तो यहां पर आपको बिक्सबी विजन का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है, जिसको आप शॉपिंग वगैरह के लिए परचेज कर सकते हैं। अगर आपके फोन पर आपने कोई ऐसी फोटो जो है ओपन की हुई है जिसके अंदर कोई प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, तो डायरेक्टली बिक्सबी विजन को यूज करके आप उसको इंटरनेट पर ब्राउज कर सकते हैं और उसको परचेज कर सकते हैं। इस फोन में आपको वाइड एंगल और मैक्रो मोड जैसे फीचर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि ऑप्टिकल तरीके से इस फोन में दिए गए हैं। क्योंकि इस फोन में आपको क्वाड कैमरास देखने के लिए मिलते हैं, तो आपको डेडिकेटेड वाइड लेंस देखने के लिए मिलता है, जिसको कि आप यहां से यूज कर सकते हैं। उसी के साथ अगर आप यहां पर मोर के अंदर जाएंगे तो यहां पर आपको मैक्रो मोड का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, तो बहुत क्लोज से अगर आप फोटोज क्लिक करना चाहते हैं तो आप मैक्रो मोड को यूज कर सकते हैं। उसी के साथ दोस्तों, अगर आप यहां पर सेटिंग्स के अंदर जाते हैं कैमरा के अंदर, तो यहां पर आप नोटिस कर पाएंगे कि वीडियोस अगर आप
शूट करते हैं तो आप दोनों रियर और फ्रंट दोनों साइड से 4K वीडियो शूट कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे रियर के अंदर भी आपको अल्ट्रा एचडी का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है और फ्रंट के अंदर भी आपको अल्ट्रा एचडी का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। इस फोन में वीडियोस के लिए आपको एक सुपर स्टडी मोड भी देखने के लिए मिलता है, हालांकि स्टेबलाइजेशन वैसे भी है, लेकिन अगर आप सुपर स्टडी मोड को यूज करेंगे इस ऑप्शन को यूज करके तो बहुत ही ज्यादा स्टेबल फोटोज वीडियोस आप क्लिक कर सकते हैं और बिल्कुल भी शेकीनेस आपको फील नहीं होगा। उसी के साथ आपको यहाँ पर फुल फ्लेज्ड एआर सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। एआर का सपोर्ट है यहाँ पर, एआर डूडल आप यूज कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पर एआर इमोजीज का एक ऑप्शन है जिसके यूज करके आप अपना एक पूरा इमोजी क्रिएट कर सकते हैं। उसी के साथ दोस्तों अगर आप मोर के अंदर जाते हैं तो स्लो मोशन के साथ साथ आपको यहाँ पर एक सुपर स्लो मोशन देखने के लिए मिलता है जिसको यूज करके आप बहुत ही ज्यादा स्लो जो है वो वीडियो को कर सकते हैं और काफी सिनेमेटिक वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यही थे इस फोन के काफी सारे खास फीचर्स दोस्तों। आई होप कि वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा। जो भी फीचर सबसे अच्छा लगा मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा, कुछ और अच्छा हमें नीचे कमेंट्स में वो भी आप बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि हर फोन पर मैं ऐसी वीडियो आपके लिए जरूर बनाता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।